अगले 6 से 7 हफ्ते में होगी कोरोना के तीसरे लहर की एंट्री, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी चेतावनी। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पटना में कांग्रेस का कार्यक्रम, लोगों के बीच बांटा गया राशन, राशन किट पर राहुल गांधी की तस्वीर। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रही रूपा तिर्की के परिजनों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, रूपा को न्याय दिलाने की मांग। बगहा के रिहायशी इलाके में घुसा मगरमक्ष, इलाके में मची अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने मगरमक्ष का किया रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर के और साथ ही साथ देश में किस तरीके से कोरोना के हालात है, चर्चा पहले इस पर जरूरी है। भारत में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, एम्स के प्रमुख डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह आशंका व्यक्त की है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता है। मार्च के अंत में शुरू हुए लॉकडाउन के दौर के बाद देश के कई हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि एक्सपर्ट ने कुछ समय पहले ही तीसरी लहर को लेकर के चेतावनी जारी कर दी थी। दरअसल जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण का खतरा देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और खुद इसको लेकर के एम्स अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेशों में अनलॉक शुरू हो गया है और ऐसे में अब लोगों की लापरवाही भी दिख रही है। लोग ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, देश में कोरोना की तीसरी लहर दिख सकती है और ऐसे में तीसरी लहर जो होगी वो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करेगी। इधर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में माले प्रत्याशी वर्तमान में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने लोजपा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिनकी राजनीति जीत होगी वही पार्टी के हकदार होंगे, जिनका कार्यकर्ताओं में नाम होगा वही नेता बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और राजद पर भी निशाना साधा है। दरअसल जिस तरीके से लोजपा में अंतरकलह चल रहा है और इस अंतरकलह के बाद अब साफ तौर पर कन्हैया कुमार सामने आए हैं और उन्होंने इस मामले में लेकर के साफ जो बातें कही, उन्होंने ये कहा कि जिनकी ज्यादा लोकप्रियता होती पार्टी उसी की होगी। लोग होते हैं कि जो सत्ता पे बैठे हुए लोग होते हैं वो जब नहीं होते हैं, उनके द्वारा जब स्थान रिक्त किया जाता है तो सत्ता पर अगली दावेदारी किसकी होगी, भागीदारी किसकी होगी, उसको लेकर के उठा पटक होता है। मुझे लगता है कि ऑफिस में चाहे जो भी नूरा कुश्ती हो जाए, अंतिम रूप से राजनीति किसके पक्ष में जाएगी ये जनता तय करती है। पार्टी के पदाधिकारी कोई भी बन जाए, राम विलास जी के आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जो सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, वो जिसको अपना नेता चुनेंगे वो नेता होगा। इधर बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने बिहार सरकार के महिला उद्यमी योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योजना सराहनीय पहल है ताकि मध्यम वर्ग की महिलाओं को रोजगार मिले और जिस तरीके से सरकारी कार्यालयों में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इससे भी एक सराहनीय पहल की तरफ देखा जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिन्हा, सर एक बार आप भी सुनिए। बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पहली चीज तो ये कि महिला उद्यमियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इधर राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार कांग्रेस इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इसी क्रम में पटना में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने जिस तरीके से लोगों के बीच में राशन बांटा, सबसे बड़ी बात यह रही कि राशन किट पर राहुल गांधी की तस्वीर देखने को मिली। वहीं राशन बांटने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से धज्जिया उड़ाया गया। भक्त चरण दास ने साफ तौर पर चिराग पासवान को बिहार का नेता बताया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर के हुई गलती को स्वीकार किया और साथ ही साथ लोगों से भी अब कोरोना संक्रमण से बचने की अपील करते दिखे। इधर बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ का जो मास्टर प्लान चल रहा है, इसी मास्टर प्लान के तहत लोजपा टूट चुकी है।
चिराग और चाचा के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन भीतर खाने से एक और रिपोर्ट सामने आ रही है। जेडीयू की नजर अब कांग्रेस पर है, यानी अब जेडीयू का अगला कदम ऑपरेशन कांग्रेस है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति आजकल उठापटक के दौर में है, यहां कब क्या हो कहना मुश्किल है। बिहार राजनीति एक बार फिर जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ की गवाह बन रही है। रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी को उन्हीं के भाई ने तोड़ दिया, और इसके पीछे किसका हाथ है इसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। लेकिन एक बार फिर एक नई बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जेडीयू अब मिशन कांग्रेस में जुटी है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने यह कहकर हलचल बढ़ा दी कि कांग्रेस के कई विधायक जेडीयू के संपर्क में है। कांग्रेस के कई विधायक हम लोग के संपर्क हमारे संपर्क में है, आने दीजिए समय। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू ने कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में करने की जिम्मेदारी मंत्री अशोक चौधरी को दी है। अशोक चौधरी के रिश्ते कांग्रेस के कई विधायकों से अच्छे हैं, क्योंकि जेडीयू में आने से पहले वे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि जिस पार्टी में लोगों के बोलने पर भी पाबंदी हो तो वहां घुटन तो होगी ही। जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं, और हमारे जो भवन निर्माण मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, वो तो सबका काम करते हैं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब उनके पास जाते हैं, सबसे बातचीत होती है। और कांग्रेस में जो उनके रिलेशन के, जो उनके संपर्क के, जिनको उन्होंने विधायक बनाने में, टिकट दिलवाने में कांग्रेस में सहयोग किया, उन लोगों के रिश्ते मजबूत उनसे हैं। और पार्टी नेतृत्व की मजबूरी है, जो बेचारे कैमरा पर नहीं बोलते हैं, तो इस बात को लोग प्रकट करते हैं, बोलते हैं, और मिलते हैं तो बोलते हैं, इच्छा तो ढेरों की है। वहीं कांग्रेस में टूट की बात को बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने खारिज कर दिया। कहा कि कांग्रेस में कोई मतभेद या फूट नहीं है। वहीं उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के ही कई नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक चट्टान की तरह मजबूत हैं और वो जवाब दे चुके हैं। कांग्रेस में जो विधायक हैं वो कांग्रेस की नीति आइडियोलॉजी को मानते हैं, कांग्रेस लीडरशिप को मानते हैं और समर्पण के साथ हैं। इसका मतलब मैं नीतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं तो मैं संपर्क में हूं तो जाएगा। अशोक चौधरी पार्टी का प्रेसिडेंट रहे हैं, कई लोगों से उनका मित्रता है, बातचीत होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। लोजपा में हुई टूट के बाद राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि इस तरह की घटना कांग्रेस विधानमंडल के सदस्यों में भी होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी में अगर टूट होती है तो विधानसभा और विधान परिषद में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और कांग्रेस के नेताओं की नाव किस तट की तरफ रुख करेगी ये तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध की रिपोर्ट। तो बिल्कुल राजनीतिक गलियारे में समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, हालांकि क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात राजद की करेंगे। राजद के विधायक और पूर्व सांसद अनिल साहनी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घोटालेबाजों की सरकार है। उन्होंने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर में पहले स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया जाता है, उनकी योग्यता पर बहाली नहीं होती, और अब उसके 20 घंटे के बाद उन्हें फिर से वापस कार्य पर बुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सबके सब भ्रष्ट हो चुके हैं। ऑक्सीजन घोटाला, सीट घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला ही घोटाला, और जिस प्रकार से जनता, आम जनता जो सड़क पर, कोई मुजफ्फरपुर की ही बात नहीं है, इस सूबे बिहार में है, जिस प्रकार से 780 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में बहाली किया जाता है मुजफ्फरपुर में, जिसके जांच कमेटी अपना रिपोर्ट देती है कि इसमें अनियमितता हुई है, इसमें मेरिट को नहीं देखा गया है, इसमें अनुभव को नहीं देखा गया है।
इधर कटिहार में जदयू संगठन को धारदार मजबूत बनाने को लेकर के बरारी विधायक विजय सिंह के आवास पर युवा जदयू की हाई लेवल बैठक की गई। बैठक में युवा जदयू कमेटी का विस्तार किया गया, वहीं संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की बात कही गई। साथ ही कोविड काल के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। बता दें कि रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वर्चुअल मीटिंग की जाएगी, जिसे सफल बनाने पर भी चर्चा की गई। सात विधानसभा प्रभारी प्रतिनिधि किए गए और 16 प्रखंड में नए युवा अध्यक्ष जनता दल यूथ को भी मनोनीत उन्होंने किया है। इस प्रोग्राम में हम लोगों के पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष समीर इकबाल साहब उपस्थित हैं, सतीश ठाकुर जी उपस्थित हैं, राजकुमार जी गुप्ता जी उपस्थित हैं, मुजीब रहमान उपस्थित जी हैं, अभिषेक जी हैं, निरंजन पोदार जी हैं, पार्टी के सभी मानने और चाहने वाले लोग भी उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में पूरे जिले का संगठन कैसे युवा संगठन कैसे मजबूत हो, चूँकि पार्टी के सभी प्रकोष्ठों का अलग अलग काम है। के इस बैठक का उद्देश्य है कि हम लोगों ने कमेटी का विस्तार करते हुए हमारे सातों विधानसभा में विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है और 16 प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन पत्र दिया गया है। इधर जहानाबाद में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल क्यूम अंसारी के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी आवास से कोविड-19 की टीकाकरण जागरूकता अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना टीका लेने के लिए भी अपील की गई। बक्सर में लोजपा के नेताओं ने पशुपति कुमार पारस सहित उनके साथ देने वाले सभी सांसदों का पुतला फूंका गया। इस दौरान चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बक्सर के लोजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में चिराग पासवान की गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ समर्थकों ने पशुपति कुमार पारस, महबूब अली क्यासर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज का पुतला फूंका। लोजपा नेताओं ने कहा कि पशुपति कुमार पारस को लोजपा का अध्यक्ष बनाए जाना असंवैधानिक है। लोजपा नेताओं ने जेडीयू पर भी निशाना साधा है। इधर मुंगेर में भाजपा नगर मंत्री आशुतोष पासवान के जमुई के सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थन में जुलूस निकाला। इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस का विरोध करते हुए उनका पुतला भी दहन किया गया। और अब बात राजधानी पटना की करेंगे। पटना की मेयर सीता साहू के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर इस दौरान उन्होंने पटना वासियों का धन्यवाद किया। साथ ही साथ उन्होंने नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। पटना वासियों के सहयोग से यहां पर खड़ी हूं और मैं 58 के वार्ड पार्षद और जितने भी पार्षद हैं मेरे सहयोगी, उनको मैं हमेशा आगे आई हूँ, हमेशा अपने वजूद को कायम रखी हूँ। कितना हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा रास्ते में, सबको झेलते हुए मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ। सब सिर्फ आप लोगों के बदौलत, पटनावासियों के बदौलत और अपने मित्र भाइयों के बदौलत मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। इधर बेगूसराय में भाजपा के द्वारा 21 जून को पूरे जिले में योग दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर शनिवार को जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने भाजपा ऑफिस में एक प्रेस वार्ता कर साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि भाजपा लगातार कोरोना काल और कोरोना महामारी कम होने के बाद भी लोगों की सेवा के लिए कार्य कर रही है। 21 जून को योग दिवस के मौके पर पूरे बेगूसराय में सुबह से ही योग दिवस के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ भी उन्होंने अन्य कार्यों की भी जानकारी दी। आज से एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, जो पहले योग दिवस, तो हम सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपके माध्यम से आम आवाम तक यह सूचना देना चाहते हैं कि आप योग करें, निरोग रहें। योग करने से इस कोरोना में संक्रमण का जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, योग करने वालों को रोकथाम हुआ था। दूसरा मेरा कार्यक्रम है, आप सबको जानकारी है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ था, उस बलिदान दिवस के रूप में हम
ये 22 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक हम ये कार्यक्रम करेंगे। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी, उनकी प्रेरणा, उनकी सोच को आम लोगों तक बताएंगे। इधर पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी मंदिर में कई भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है। ये सभी मूर्ति 300 साल पुरानी थी, जो कि अष्ट धातु की थी। चोरों ने मंदिर की खिड़की में लगे लोहे के रॉड को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर खबर मुंगेर से है, जहां जमालपुर स्टेशन चौक स्थित होटल हिल व्यू के मालिक और मैनेजर समेत 9 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं 7 लोगों को जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए DIG सफीउल हक ने बताया कि होटल संचालक और मामले का मास्टरमाइंड राकेश रंजन, होटल मैनेजर संजय कुमार पर देह व्यापार करने का आरोप में FIR दर्ज की गई है। वहीं देह व्यापार में संलिप्त 7 लोगों को होटल से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मास्टरमाइंड होटल मालिक फरार बताया जा रहा है। होटल से कई लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिन्हें बॉन्ड भरवाने के बाद छोड़ दिया गया। जो सेक्स रैकेट है वही है, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए होटल जब बंद है तो ये तो होटल हुआ नहीं, ये तो वेश्यालय हो गया। और इसके बाद इसमें जाकर दारू पिए हुए 2-2 आदमी एक औरत के साथ हैं, और फिर सब कमरे में एक लड़का एक लड़की है, उसके रजिस्टर पे जाकर एक लड़के का नाम लिखा हुआ है प्लस वन में आपको नाम देना है, वो नाम नहीं दिया हुआ है। अव्वल तो होटल ही बंद है, इसलिए वो धंधा ही गलत है। उसके बाद जो भी होटल में रूम में जाएंगे, होटल वाले की ड्यूटी है कि उनका आप आइडेंटिटी लेंगे, आइडेंटिटी के बगैर नहीं होगा, किसी की आइडेंटिटी नहीं। इधर मामला गया से है, जहां एक लड़की और लड़की ने कोर्ट में शादी रचा ली। इनकी खबर जब लड़की के पिता को चली तो उन्होंने लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद लड़की और लड़के को पुलिस ने गया से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लड़की का कहना है कि वो बालिग है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, जिस पर पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला ये है कि हम एक दूसरे से शादी कर लिए कोर्ट में जाकर। अच्छा, दूसरे से प्यार करते थे। अच्छा, कहाँ का शादी की है? गया कोर्ट। ये लड़की कहाँ की है? पटना की है। तो अभी क्या हालात हुआ? अभी हालात में है, उसका फैमिली वाला केस कर दिया फरन का। अच्छा, यही चाहते हैं केस वापस ले लें। अच्छा, अपने राज्य में शादी किया है? क्या राज्य मंदिर शादी किया आप लोग? हाँ, अपने मर्जी से शादी किया। मामला यही है, लड़की कोडरमा की है, वो 15 तारीख को घर से बोल के निकली थी कि कैसे जा रहे हैं, कुछ फॉर्म भरना है, उसके बाद वो घर नहीं लेती। अच्छा, नहीं लेती तो पिता उसके गार्जियन को कुछ अनहोनी का संदेह। उससे पहले जिससे 2-3 दिन पहले एक लड़का का कॉल आ गया था यहीं से, वही बेटी के समय में तो उन लोग को अब तक हुआ कुछ अनहोनी का, तो थाना में खबर किया, उसी का रास्ता हम लोग आए थे यहाँ तकनीकी सहायता लेके। लड़की हम बरामद हो गई, लड़की मैच्योर है और लड़की के पिता भी आए थे साथ में, तो डिनाई कर रही है घर जाने से। वहीं लड़का के साथ जो आज अजय कुमार है, पिता वीरेंद्र प्रसाद है, उसके साथ शादी कर ली है। इधर भागलपुर के मनोहरपुर बाईपास के पास भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में शराब की बड़ी खेप उतरने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने बाईपास रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान ये सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि 576 ml की 24 पेटी और 750 ml की 3 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया है। इधर बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तालाब से बाहर निकलकर मगरमच्छ ग्रामीण इलाके में पहुंच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस दौरान गंडक नदी में सुरक्षित मगरमच्छ को वापस छोड़ दिया गया। इधर सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड स्थित
भवन निवास कर रहे SDRF की टीम को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आपदा में लोगों की मदद के लिए SDRF की टीम को पानी, शौचालय, रोशनी सहित अन्य चीज़ों की सुविधाएं नहीं मिलने से टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SDRF टीम का आरोप है कि TA भत्ता में से 25% सरकार काट लेती है, लेकिन उस अनुसार कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। SDRF ने जिला प्रशासन से समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। अब खबर झारखंड की करते हैं। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रही रूपा तिर्की के परिजनों ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की है। परिजन भाजपा के प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने साथ साथ राजभवन पहुंचकर परिवार के साथ इस क्रम में परिजनों ने राज्यपाल को रूपा तिर्की की संध्यास्पद मृत्यु के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि मामले में अनुसंधान कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। हमारे नियरेस्ट थाना वाले बोले कि जो मेरे परिवार वाले फोटो लाए इनको मैं हर जगह अवगत करा रहा हूँ, फिर भी जो यहाँ की जो साहिबगंज की पुलिस प्रशासन और सरकार उसको आत्महत्या ही बोल रही है। यदि आत्महत्या है तो उसके गले में क्यों दाग है? वही लोग सीढ़ी बना के दिया है, उसके आँख आँख में भी ऐसा लग रहा है कि मुक्का मारा हुआ है, तो इनको ये और उसका जांग में भी दाग है जो फुंसी फुंसी दिख रहा है, उसमें घाव टाइप का। इतना बोलने के बावजूद साहिबगंज प्रशासन और सरकार बोलती है आत्महत्या। और दुख की बात तो ये है, जिस बच्ची को हम एक गरीबी हालत से पाल कर कोस करके बड़े किए, अब वो कमा के देने वाली है थी, उस टाइम ये बोल रही कि नहीं ये पिताजी इसका प्राथमिक अभियुक्त है। इधर रांची में सदर SDO और CTSP ने बाल सुधार गृह डुमरडगा में धलल्ले से चल रहे अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। बता दें कि सदर SDO उत्कर्ष गुप्ता और CTSP सौरभ कुमार ने डुमरडगा स्थित बाल सुधार गृह में छापा मारा। SDO उत्कर्ष गुप्ता की अगुवाई में चली छापेमारी के बाद एक मोबाइल, चाकू, खैनी, गांजा एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। पुलिस अब यह जानने का प्रयास कर रही है कि बाल बंदियों के पास ये सारा सामान कैसे पहुँचा और इसे पहुँचाने में कौन मदद कर रहा है। बहुत सारे फोन पकड़ा है, तत्व पकड़ा है, अब क्या कार्रवाई करने जा रही है प्रशासन? देखिए, आज क्योंकि पूर्व में आपको ऐसा ज्ञात होगा कि एक बार ऐसा मामला प्रकाश में आया था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपत्तिजनक जो उसका प्रयोग हो रहा है, इसको लेकर यहाँ रेड किया गया है, यहाँ पकड़ी गई है, उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और बाकी आगे जो भी कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि एक ऑटोमेटिक जो है प्रयास है जिससे कि दोबारा इन इधर साहेबगंज के रांका थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी सोहेल हुसैन का अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। बता दें कि सोहेल हुसैन कई बड़े अपराध में शामिल था और अलग अलग थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ भी मामला दर्ज था। फिलहाल पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। मृतक का नाम सोहेल हुसैन है जो कि इस्लामपुर गांव का रहने वाला है। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है, आगे जो भी तथ्य आएंगे हम आपको बताएंगे। 3 आदमी एक ब्लू रंग के अपाचे पर आकर के इसकी हत्या किया है एक डॉक्टर के क्लिनिक में। हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं, जो भी नए फैक्ट्स आएंगे इस संबंध में आपको अवगत कराऊंगा। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजातर इन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।